45,000 लोंडे सही प्रैक्टिस वाले हैं। हाँ तो है, 22 एक नंबर जा रहा है हिंदी में। हाँ बिल्कुल 22 नंबर और 20 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटली। अरे मतलब मतलब 22 बताओ 22 नंबर तक ना सोलिया भाई इनके पेपर का। तो भैया कैसा पेपर आ रहा है, कुछ बताना चाहोगे भैया को जो इनका पेपर आगे आने वाले समय में है? भैया पेपर आ रहा है बिल्कुल आसान, ठीक है, डरने कोई बात नहीं। अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखी है तो आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2000 क्वेश्चन ही है टप से बस। ये कह रहे बच्चे ने वो 55 जिसके 55 भी सही हो गए वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो गलत फहमी बालकों की, रोक ले ये गलत फहमी है। जो कह रहा है उनको 55 कराया फाइनल आ जाएगा वो गलत फहमी है। ये पहुंच नहीं पा रहे ना उस टाइम, इतना कम टाइम है, 60-70 क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाते। अब भैया जिस लोंडे ने बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है ना वो 75 भी कर रहा, 80 भी कर रहा हकीकत में। तो सही प्रैक्टिस वाले कितने हुए? थोड़े बहुत मुश्किल से 10%। 45,000 लोंडे सही प्रैक्टिस वाले हैं। हाँ वो तो है लेकिन उनके कितने नंबर बन सके ज़्यादा से ज़्यादा? वह नंबर जो है मेरिट फाइनल यहाँ ही लग जाएगी 122 के करीब टोटल मार्क्स। क्वेश्चन अगर लगाया जाए कितने सही होने चाहिए? 60-62। चलो ठीक है। पेपर मॉडरेट था। अच्छा 16% का अर्धवार्षिक आया था 2 साल का। अच्छा। और एक चुनाव से आया था 40% दे रखा था और 50% से हार रहा है। दूसरा वाला 50 वोटों से हार रहा है। हाँ 50 वोटों से हार रहा है 40%। 20-25 और प्रधानमंत्री का वो आया था कि पहली दक्षिण भारत में कौन सी रेल हरी झंडी दिखाई थी। और योजना से हो गए। हाँ योजना से भी आया था, गढ़ जनगणना से भी आया था। नियुक्ति से था कोई? नियुक्ति से नहीं था। और डाइस से, एक डाइस से। भाई बताओ कुछ क्वेश्चन याद हो। भैया क्वेश्चन तो याद ना, सारी हार्ड। टाइम बहुत ज्यादा घटा दिया, टाइम लग रहा, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा। पास का क्वेश्चन आया था एक तो, और रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग रहा। मैथ ज्यादा हार्ड ना था, जीएस ज्यादा हार्ड है, हिंदी भी हार्ड ना, मैथ भी थोड़ा सा हार्ड है ज्यादा। तो अगर बंदे पे जैसे नहीं बता रहे भैया उनको रीजनिंग स्टार्टिंग में ही आ रही है तो कौन सा सब्जेक्ट शुरू में करने लायक है? भैया हिंदी करो सबसे पहले, तो पहले हिंदी पहले लो, हिंदी रीजनिंग मैथ जीएस बाद में लायक है। नहीं जीएस भाई फाइनल ना सोलिया भाई इनके पेपर का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, कुछ पेपर के बारे में बताओ यार, कैसा पेपर आ रहा? पेपर बताएगा भाई, भाई पेपर के बारे में। ठीक आ रहा बिल्कुल, बढ़िया आ रहा। कितने क्वेश्चन हो पा रहे? तो क्वेश्चन हो पा रहा लगभग कोई हिंदी रीजनिंग और हिंदी में बताओ, हिंदी में कितने कर पा रहे? हिंदी बिल्कुल ठीक हो रही है। कितने कर पा रहे? 22 एक नंबर जा रहा है हिंदी में। हाँ बिल्कुल 22 नंबर और 20 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटली। अरे मतलब मतलब 22 बताओ 22 नंबर तक। चलो ठीक है भैया। और तुम देखा है भाई पेपर? ना अभी पेपर नहीं हुआ हमारा, आप सामने देखा है भैया? हाँ जी मैं देख आया हूँ। क्या कैसा पेपर आ रहा? सही आ रहा है, हार्ड नहीं आ रहा है। ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा, तो कितने नंबर बन सके? मेरे बन जाएंगे 60। कितने टाइम किए तुमने? मैंने किए हैं 62। 62 और 60 बन जाएंगे, क्या बात है। एक्यूरेसी इसका मतलब बढ़िया मेंटेन कर रखी है। तो कोई क्वेश्चन याद है आप लोगों को? पर्यायवाची आया था सुंदर का। सुंदर का पर्यायवाची आया। अच्छा और मैथ कैसा आ रहा? मैथ इतना हार्ड नहीं आ रहा, मॉडरेट आ रहा है। बन पा रहा है। हाँ बन पा रहा है। रीजनिंग में? रीजनिंग भी इतनी हार्ड नहीं आ रही। तो शुरू में कौन सा पोर्शन दे रहे एग्जाम जैसे स्टार्ट होता है उसमें रीजनिंग आ रही स्टार्टिंग में या मैथ आ रही है हिंदी? उसमें रीजनिंग आ रही है स्टार्टिंग में रीजनिंग। अच्छा और कोई देखा है वही पेपर? स्टार्टिंग में रीजनिंग है और फिर जीएस है। अच्छा। फिर मैथ है, फिर उस रीजन वो फिर वो है हिंदी। तो कैसा पेपर गया भाई तुम्हारा? पेपर अच्छा गया है। तो कितने टाइम कर लिए बताओ? मैंने 63 अटेम्प्ट किए हैं। 63। हाँ तो कितने पे जा सके मेरे बता लगा सको कुछ जो मेरे क्वेश्चन आइडिया था मेरे तो हो जाएंगे 55-56 के करीब सही बन सके। हाँ तो सिलेक्शन की क्या उम्मीद है? सिलेक्शन फिर आप मेरिट के ऊपर बात है, मेरिट कहाँ लगती है देखो। नहीं कुछ आइडिया हो जाता है ना बंदों का एवरेज देख के, एवरेज स्कोर क्या आ रहा है? एवरेज तो बंदों का यही जा रहा है 60-65 के समथिंग ही जा रहा है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम ही से मिल रहा है। और मैथ भी ज़्यादा कैलकुलेटिंग नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन 3D2D से और 1 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से था। चक्रवर्ती भी आज के क्वेश्चन आ रहे हैं, वे टाइम ले रहे। हाँ 2 क्वेश्चन बढ़िया हैं। उनमें क्या पूछा जा रहा? क्वेश्चन इजी आ रहा है, 1 क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है। मतलब क्या पूछा जा रहा है चक्रवर्ती भी आज में?
एक क्वेश्चन था कि 10,000 का चक्रवर्ती 2 साल का वो था ऐसा वो मतलब राशि 10,000 की और उसमें 16% के अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? एक क्वेश्चन रेलगाड़ी से था और एक एवरेज से था, 2 क्वेश्चन एवरेज से थे, 1% से था और 2 क्वेश्चन लाभानी से थे। और नृत्य वगैरह पूछा गया? एक नृत्य पूछा गया है, कलाकार डांस के एक कलाकार पूछा गया, उसमें ऑप्शन दिए थे कि उसमें वो दे दिया था नृत्य का नाम, उसमें कलाकार पूछा है कि इससे कौन सा है, कौन सा नहीं है कथक से। तो कोई पहले भी कोई पेपर दिया आप लोगों ने? पहले दिया था, पिछली बार दिया था जीडी का, जीडी का ही दिया था। उसके बाद कोई दिया? उसके बाद नहीं, मेरा यह दूसरा पेपर। चलो तो भाई।